कोरोना काल में देश का कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की, जिसके तहत कोरोना काल में गरीब वर्ग के लोगों को निशुल्क राशन बांटा जा रहा है। लेकिन खंडवा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर गरीबों के अनाज पर डाका डालकर गरीबों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा जरूर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई है। मांधाता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बोराड़ी माल शासकीय उचित मूल्य की दुकान के अधीन तीन अन्य दुकानें जो ग्राम बावड़िया, नेतन गांव, दियानतपुरा सहित चारों शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर सेल्समैन द्वारा खाद्य सामग्री की हेराफेरी कर गरीबों के हक को मारा जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सेल्समैन गरीबों को कभी समय पर अनाज वितरित नहीं करता है, और करता भी है तो नाप तोल में धोखाधड़ी कर कम अनाज दिया जाता है, जिसके चलते उन्होंने दोषी सेल्समैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमको कम दिया गया, ये महीने में भी दो महीने का गल्ला आया था तो एक महीने में हमको 10 किलो गेहूँ दिए, और 10 किलो के बाद में इनने दूसरा महीना आया तो दूसरे महीने में इनने हमको दिए 20 किलो चावल दिए और 10 किलो गेहूँ दिए। तो कम देता है क्या? कम दिया, हमारा 8 किलो गल्ला हमारा उसमें भी कट कर दिया। अगले महीने का 12 किलो 8 किलो हमको चावल मिलते थे वो भी हमारे कट कर दिए। मामले में ग्रामीणों द्वारा भी शिकायत की गई थी कि खाद्यान्न कम मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। इसी के संबंध में संजय नागराज जी से संपर्क करके ये अवगत कराया गया, ग्रामीणों द्वारा भी अवगत किया गया है। यहाँ पे दुकान सील कर दी गई है और अभी बताया गया है कि यहाँ इसके अंडर में चार जगह दुकान है, एक बावड़िया है, नेतन गाँव है और पोराड़ी, चार दुकानें इन्हीं सेल्समैन के अंडर में आती है। अभी तीन दुकानों की जाँच बाकी है। बोराड़ी माल के मामले में एसडीएम मैडम को भी अवगत करा दिया, सारी जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, आगामी कार्रवाई प्रशासन के ऊपर है। बोराड़ी माल के अंतर्गत हाँ। तीन दुकानें और शेष हैं। हम उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने पर खाद्य विभाग के अधिकारी सुनील नागराज द्वारा एक ही दुकान की जाँच की गई है, जिसके उपरांत तीन दुकानें और शेष बाकी है। गाँव वालों उपभोक्ताओं का मानना ये है कि जब एक दुकान में उसने चोरी की है तो बाकी और दुकानों में भी चोरी की गई है, इसलिए अधिकारियों से तीनों दुकानों की जांच की मांग की जा रही है। और ये सेल्समैन परशुराम यादव द्वारा कई सालों से इस पर भ्रष्टाचारी की जा रही है। बोलो कोई मिलत की नहीं? कहीं नहीं मिलतो, गल्लो मखा मिलतो न्याय। तो तुमने किसी अधिकारी के सामने बोला कि मैं मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, मेरे को अनाज नहीं मिलता है? गई थी यहाँ घर सब दूर चाली रही है, यहाँ ऑफिस में भी आऊँ तब मकान नहीं कही जाना पक्षी बता दे। हालांकि ग्रामीणों की शिकायत पर ग्राम बोराड़ी माल के समिति प्रबंधक ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक दुकान को सील कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी है। शिकायत की है, उसमें हमने हमारे ब्रांच मैनेजर साहब को सूचित किया, उन्होंने आकर यहाँ देखा और बयान मिले, उसमें थोड़ा अनियमितता पाई गई, विक्रेता द्वारा अनियमितता पाई गई और उसके लिए उन्होंने दुकानें भी सील कर दी। और दुकानों को सील करने के बाद जो क्योंकि ये खाद्य विभाग के तहत आती है, इसलिए हमने खाद्य विभाग के अधिकारी श्री नागराज साहब को भी सूचित किया, वो आए, उन्होंने भी यहाँ पर मतलब उपभोक्ताओं के बयान वयान लिए, उसके तारतम्य में उन्होंने प्रकरण कुनासा में एसडीएम मैडम के पास दर्ज कर दिया है और उसका निराकरण जब तक होता है तब तक हम लोगों ने भी हमारे प्रशासक महोदय क्योंकि खेड़े सिंह जी को बुला करके हमने प्रस्ताव ले लिया है प्रबंधकारिणी में, और अभी उसको जब तक उसका मतलब कुछ निराकरण नहीं होता तब तक अभी उसको पद से हटा दिया गया है। और दो चार दुकानें हैं चूँकि संस्था बोराड़ी माल में, तो दो दुकानें हमने हमारे लिपिक को दे दी गई है, थोप दी गई है, एवं दो दुकानें हमारे एक और अधीनस्थ कर्मचारी को सौंप दी गई है और जिसकी सूचना हमने सभी विभागों को दे दी गई है। ये कार्रवाई क्यों करना पड़ी? क्या ये अनाज कम तोल के देता था जो आपने ऐसी कार्रवाई की है? अब अनाज कम तोल के देता था वो तो है ही ना, अनियमितता में जब पाया गया, जब यहाँ पर लोगों के साहब लोगों ने अधिकारियों ने जब कारण का जब मुआवजा किया गया उनसे और उनसे पूछताछ की गई तो अनियमितता पाई गई है। सेल्समैन की कारगुजारी से परेशान ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सेल्समैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बहरहाल देखना होगा कि गरीबों के पेट पर डाका डालने वाले सेल्समैन के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या फिर इसे ठंडे बस्ते में डालकर इतिश्री की जाती है। मांधाता से राम पवार नायक की रिपोर्ट।